अगर आप एक क्रिश्चियन हैं और कभी रात को प्रार्थना नहीं करते, तो आपके खिलाफ जो शैतान की वेदियां बनी है वो कामयाब होंगी और आप फेल होंगे, चाहे आप क्रिश्चियन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन प्रीच किया और 41वें दिन जब वो एक पहाड़ के ऊपर थे तो परमेश्वर ने उठाए गए और परमेश्वर ने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी। और लिखा, जब वो पहाड़ पे जा रहे थे तो 500 चेलों के करीब वहां पे लोग थे, 500 लोगों को परमेश्वर दिखाई दिए थे। समझ आ रही है कि नहीं? कितने लोग थे? और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम्हें पिता की प्रतिज्ञा जो है वो पूरी होती दिखाई नहीं देती, जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। कितने लोग थे वहां पे? 500 लोग चले गए। कहां पे? वेट करने के लिए। कहां पे चले गए? जहां प्रार्थना होती थी। और 500 लोग वहां पे प्रेयर कर रहे हैं। एक दिन, दो दिन, देखा कुछ नहीं हुआ, 100 निकल गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, अच्छा कुछ नहीं हुआ, प्रेयर ही करी जा रहे, कुछ नहीं हुआ, 100 और निकल गए। छठवां दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, कुछ नहीं हुआ, 100 और निकल गए। कितने रह गए? 200। क्योंकि बाइबल बताती है पेंटिकोस्ट का दिन यीशु मसीह के जी उठने के तकरीबन 10 दिन बाद था, लेकिन चेलों को यह मालूम नहीं था कि वो पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरेगा या कब उतरेगा। लेकिन अगर अगर आप बाइबल की स्टडी करें तो वो 10 दिन के करीब टाइम बनते हैं। 120 रह गए 10 दिन बाद। बाइबल कहती है इसराइली लोगों को श्राप देने के लिए किसको बुलाया था? बिलाम को। बिलाम को बोले, हम तुझे पैसा देंगे, तुझे तुझे इतना सोना देंगे, चांदी देंगे, आ और कुछ लोगों को श्रापित करने। और बिलाम के मुंह से अगर श्राप निकला तो वो श्राप घटित तो होता था, अगर आशीष निकली वो आशीष पूरी होती थी। और उन लोगों को मालूम था कि अगर बिलाम के मुंह से इसराइलियों के लिए श्राप निकला तो इसराइली हमसे जीत नहीं पाएंगे। और बाइबल कहती है जब बिलाम श्राप देने के लिए गया तो परमेश्वर ने बोला नहीं, उन्हें श्राप मत देना क्योंकि वो मेरे लोग हैं। आमीन। और अगर आप ध्यान से इसराइलियों को स्टडी करो तो जिस टाइम बिलाम उन्हें श्राप नहीं दे पाया वो दिन थे जब इसराइली लोग अपनी वेदियों का ध्यान रखते थे, उनकी प्रार्थना की वेदी होती थी, बोने की वेदी होती थी। आज वेदी वो नहीं कि आप लकड़ी की वेदी बना लो या पत्थर की वेदी बना के ऊपर बकरे कुर्बान करो। वो वेदियां पुराने नियम में जो होती थी एग्जाम्पल थी जो आज हमारी जिंदगी में होने वाला है। आमीन। अब नए नियम में वो 120 लोग अपनी प्रार्थना की वेदी पे खड़े हैं, क्योंकि शैतान की भी वेदी है जो आपके सामने है। और उस वेदी का काम ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपकी लाइफ में डिक्लेयर किया या जो परमेश्वर करना चाहता है वो आपकी लाइफ में कभी ना हो। आप नाम के जितने मर्जी बड़े बिशप क्यों ना हो, जितने मर्जी बड़े प्रेरित क्यों ना हो, प्रॉफिट क्यों ना हो, अगर आपकी वेदी कमजोर है या ब्रेक है या टूटी हुई है तो आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते हो। परमेश्वर ने कहा जो तू बोता है वो तू काटता है, इसलिए एलिया ने वेदी बनाई और लिखा कुर्बानी की और परमेश्वर ने आग को उतार के उत्तर दिया, हां या ना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना की वेदी को बनाओगे जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा स्वर्ग से नहीं उतरता। और दूसरे लोग भाग गए और लिखा 120 लोग थे जिन पे पवित्र आत्मा उतरा, जबकि उतरना चाहिए था 500 लोगों के ऊपर। यह स्वर्ग से निर्धारित नहीं था कि मरियम गर्भवती होगी, पर धरती पे आपका रिस्पॉन्स परमेश्वर के वचन के लिए क्या है निर्धारित करता है आप आगे कहां जाएंगे। आप अपनी वेदियों को बिल्ड करते हो, बनाते हो उन्हें, प्रार्थना की वेदी को बनाते हो, फास्टिंग की वेदी को बनाते हो, एक डिसिप्लिन लाइफ आप जीते हो, बीज की वेदी, प्रार्थना की वेदी, बाइबल रीडिंग की वेदी आपकी टूटती नहीं और परमेश्वर के सामने आप हो। और जब शैतान अपनी वेदियों को बना के कुछ रिलीज करना चाहेगा तो परमेश्वर ब्लॉक करेगा उसको।
बाइबल कहती कोई मांसाहारी पक्षी उस स्थान का रास्ता नहीं जानता, किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। किस पे? जो व्यक्ति प्रार्थना के पीछे छुपे रहते हैं। आप रास्ते खुलते हुए नहीं देखते हो जब तक वर्ड ऑफ गॉड पे नहीं चलते हो आप। वो प्रोफेसी जो परमेश्वर ने दी थी कि तुम पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाओगे, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत थी, वेदी की जरूरत थी। वो बैठे नहीं, 120 लोग बैठे रहे, बाकी उठ गए। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आपकी समझ को खोले, आप पे अनुग्रह दे, आप पे ग्रेस रिलीज करे इस वेदी को बनाने की। और आमीन जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी।